Hello, once again I welcome you to Counsel Friend, your counsel, your friend. आप सब जानते हैं नीट का रिजल्ट आ चुका है और आप बहुत anxiously वेट कर रहे हैं कि आपको कैसे एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपके MBBS कोर्स के लिए मिल जाए या फिर आप अपने BDS कोर्स के लिए कौन सा अच्छा डेंटल कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एंजाइटीज, बहुत सारे डाउट्स आपके मन में होंगे, तो ये वीडियो इसी पक्ष को क्लियर करने के लिए है कि आपका स्कोर, आपका नीट स्कोर क्या आपको कोई अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिला सकता है कि नहीं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अभी हम बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा और शायद उसमें बहुत सारा समय भी बर्बाद हो सकता है। तो इसीलिए आज हम जो बात करेंगे वो केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के MBBS के कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आप अपना MBBS कोर्स, पूरा MBBS कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, ये सब कैसे होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट MBBS करने के क्या तरीके हो सकते हैं, क्या ये कोई गिमिक तो नहीं। इन सब बातों के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हां, यदि ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी यदि आपको काम की लगती है और आपके आसपास में कोई और नीट एस्पिरेंट है तो आप इस जानकारी को उनके साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, हो सकता है ये जानकारी उनके भी काम आए। और साथ ही साथ यदि हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। काउंसल फ्रेंड, क्या आपको करनी है सावधानियां, क्या नहीं करनी है नीट के काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, और क्या आपका स्कोर, क्या आपका जो कट ऑफ स्कोर है वो कट ऑफ के पास में है कि नहीं, आइए इन सब बातों पे गौर करें। लेकिन सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में रेडी रखने हैं। काउंसलिंग प्रोसेस अभी स्टार्ट होने वाली है, बाद में आप हेल्टर स्केल्टर होकर इधर उधर भागेंगे, उससे अच्छा कि आप इस समय अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली रेडी कर लें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ सकती है, आइए एक नजर इस पे देखें। आपको चाहिए एक जो नीट की तरफ से एक सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा। बहुत से इंस्टीट्यूट्स देते हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट्स नहीं देते हैं, मगर जो इंस्टीट्यूट देते हैं खासतौर पे जैसे राजस्थान बोर्ड, राजस्थान का जो नीट काउंसलिंग है वो ये लेटर देता है, तो सीट अलॉटमेंट लेटर आपके पास में आएगा। इसके साथ साथ में 10+2 मार्कशीट आपको रेडी रखनी है, डेट ऑफ बर्थ आपको रेडी रखना है, उसके लिए आपको 10th का जो मार्कशीट और इक्विवेलेंट या तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या 10th का मार्कशीट आपको रेडी रखना है, और ऑल इंडिया जो काउंसलिंग है उसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रखने हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रहना चाहिए आपका, यदि आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास में रेडी रहना चाहिए। इसके अलावा नीट का हॉल टिकट या एडमिट कार्ड आपके पास में रेडी होना चाहिए, क्लास 12th के डॉक्यूमेंट्स जिसमें 12th की मार्कशीट, 12th का एडमिट कार्ड आपके पास में रेडी होना चाहिए। यदि आपने ड्रॉप लिया था तो 10th से लेकर 12th तक के बीच में और 12th से लेकर जो ड्रॉप के बीच में आपने जितने भी अटेम्प्ट्स किए हैं उसका एक सर्टिफिकेट आपको देना होगा। इसके अलावा यदि आप स्टेट काउंसलिंग में एंटर कर रहे हैं तो आपको आपके स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसलिए ताकि वो एस्टैब्लिश कर सके फैक्ट कि आप इसी स्टेट के वासी हैं और इस स्टेट के किसी एक पर्टिकुलर कोटा में आप मेडिकल सीट क्लेम करना चाहते हैं। इसके साथ साथ में यदि आप कोई डिसेबिलिटी के शिकार हैं तो पर्सन विद डिसेबिलिटी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप इनकम ईडब्ल्यूएस के अंदर आप अपनी सीट क्लेम करना चाहते हैं तो आपके पास में इनकम सर्टिफिकेट या इनकम के डिटेल होने चाहिए, और इसके साथ साथ में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। लेकिन अदरवाइज भी इनकम सर्टिफिकेट एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, उसको भी आप अपने पास में रेडी रखिएगा। और कुछ चीजें आपके पास में रेडी होनी चाहिए, जैसे राजस्थान बोर्ड बैंक गारंटी मांगता है और एक बॉन्ड आपसे भरवाता है, तो वो सब सर्टिफिकेट आपके पास रेडी होना चाहिए। WDP WPP सर्टिफिकेट, इस तरह की चीजें आपके पास रेडी होनी चाहिए। और हाँ, एक खास बात और, वो फोटोग्राफ्स आपके पास में होने चाहिए जो आपने नीट फॉर्म भरते समय अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिए थे, तो सेम फोटोग्राफ्स का कम से कम 10-12 फोटोग्राफ्स का एक सेट भी आपके पास में रेडी होना चाहिए। मेक श्योर वो फोटोग्राफ वही ओरिजिनल फोटोग्राफ हो, वापस कंप्यूटर जनरेटेड फोटोग्राफ ना हो, अदरवाइज आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस जो है शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो इन बातों का आपको डिटेल में ध्यान रखना है। चलिए कुछ बातें और देखते हैं। सबसे पहले हम नेशनल काउंसलिंग की बात करेंगे। देखिए, दो तरह के काउंसलिंग प्रोसेस होते हैं, एक होता है नेशनल कोटा और एक होता है स्टेट कोटा। नेशनल कोटा के लिए हम mcc.nic.in पे विजिट करेंगे। द वेबसाइट इज https
www.mcc.nic.in. मेक श्योर आप इस वेबसाइट को डायरेक्टली यूआरएल बॉक्स में ऐड करें, इन करें. आप इसको किसी YouTube लिंक, किसी Google लिंक के थ्रू आप इसमें ना जाएं, क्योंकि हो सकता है वो लिंक फेक हो और आपका कैंडिडेचर पहले ही शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए. तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये दो तरह के कोटाज होते हैं, ऑल इंडिया कोटा जो कि 15% होता है और स्टेट कोटा जो कि 85% होता है. इस समय जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो अभी काउंसलिंग प्रोसेस शुरू नहीं हुई है. तो जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगी तो मैं इसके जो स्क्रीनशॉट्स भी आपके सामने शेयर करूंगा कि कैसे आपको अपनी चॉइस फिलिंग सेंट्रल और स्टेट काउंसलिंग के लिए करनी है. तो फिलहाल अभी ये कोटा का प्रोसेस समझ लीजिएगा. ये वेबसाइट का होम पेज है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी इसका नाम है. आपको इस तरह का होम पेज आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो दैट मींस आप सही वेबसाइट पे हैं. इसका इंटरफेस देख के आपको पता चल जाएगा. अब बात करते हैं, ये तो सेंट्रल काउंसलिंग की हो गई. यदि सेंट्रल काउंसलिंग के प्रोसेस में आप एंटर होना चाहते हैं तो नीट के कट ऑफ मार्क्स कितने होने चाहिए या कितने पॉसिबल हो सकते हैं? तो रफली सेंट्रल कोटा के लिए, मैं अभी यहां पे एम्स की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि एम्स के जो कट ऑफ हैं रफली 670 या 680 पे क्लोज हो सकते हैं ओपन कैटेगरी के लिए. एम्स के कट ऑफ एससी कैटेगरी के लिए मैक्सिमम जाएंगे तो 650 के आसपास जाएंगे और एसटी कैटेगरी के लिए 640 के आसपास जा सकते हैं सारे एम्स के लिए मिला के. लेकिन बाकी जो कैटेगरीज हैं उसके लिए आप अपने जो स्टेट के गजट हैं उसको देखें कि उसमें यदि कोई और तब्दीली तो नहीं है. हालांकि मैंने बेस्ट पॉसिबल जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की है, मगर फिर भी हो सकता है कि इसमें कोई और वो भी आ जाए, ग्लिच भी आ जाए, कोई और एडिशनल कोटा इसमें ऐड हो जाए. बहुत सारे जो केसेस हैं कोर्ट में पेंडिंग होते हैं और कोर्ट कुछ एडिशनल कोटाज अलाउ कर सकते हैं, तो इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं. तो अब आप देखें कि ओपन कैटेगरी जो नेशनल काउंसलिंग है दैट इज ऑल इंडिया कोटा, उसके लिए कितना हो सकता है. ऑन अ रफ स्केल ओपन कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा जो है करीब 620 के आसपास जा सकता है और ओबीसी एनसीएल कोटा जो है 610 के आसपास, एससी कोटा जो है 580 के आसपास और एसटी कोटा जो है 565 के आसपास हो सकता है. ये मैं नेशनल काउंसलिंग की बात कर रहा हूं. स्टेट काउंसलिंग की बात मैं स्टेट बाय स्टेट अभी आपके साथ में करने वाला हूं. तो ये नेशनल कोटा के थ्रू आप यदि आपके स्कोर इसके आसपास में है तो आप काउंसलिंग प्रोसेस का हिस्सा जरूर बन सकते हैं. स्टेट कोटा के लिए अभी हम अभी आगे जो है स्टेट बाय स्टेट चीजें देखेंगे तो उन चीजों को हम समझेंगे. आगे देखते रहिए कि आप यदि आपका स्कोर इसके आसपास नहीं है मगर फिर भी आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको कर सकते हैं. तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको ये जानकारी आप भी आगे आने वाले स्लाइड्स में देता जाऊंगा. अब मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं भारत के दिल की यानी हमारे मध्य प्रदेश की. तो मध्य प्रदेश में कैसे काउंसलिंग प्रोसेस होगी, क्या कोटाज एप्लीकेबल हो सकते हैं और क्या आपका स्कोर आपको एक अच्छा एमबीबीएस कॉलेज दे सकता है कि नहीं, ये मैं आपको बताने वाला हूं. मगर इससे पहले इस चीज को समझ लीजिए कोटा का मतलब और साथ साथ में कट ऑफ का मतलब होता क्या है. कोटा मतलब आपकी कैटेगरी में कितने परसेंट सीट्स अलॉट की गई हैं और कट ऑफ का मतलब ये होता है कि पिछले साल यानी 2021 की यदि हम बात करें, कोई भी जो कैटेगरी जिसको आप बिलोंग करते हैं उसमें सारे एमबीबीएस सीट्स जो उस कैटेगरी के लिए अलॉट किए गए थे उसमें आखिरी स्टूडेंट को कितने नंबर पे वो सीट अलॉट की गई. मैं पहले राउंड, दूसरे राउंड, मॉप अप राउंड की बात नहीं कर रहा हूं. यदि आखिरी बच्चे को एमबीबीएस सीट मान लीजिए एसटी कैटेगरी में 360 पे अलॉट हुई तो हम मान सकते हैं कि 360 उस साल का कट ऑफ रहा एमबीबीएस के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए. यहां प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की हम बात नहीं उठा रहे हैं, केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए. कोटास ऐसे एप्लीकेबल होते हैं और ऐसे कट ऑफ डिसाइड होते हैं. आपकी कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स हैं जो एक पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आखिरी बच्चा सपोज उस मेडिकल कॉलेज में आपकी कैटेगरी में 25 सीट्स हैं और आखिरी स्टूडेंट को जो 25th बच्चा है उसको एक सेट मार्क्स के ऊपर वो सीट मिली तो वो सेट मार्क्स उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए कट ऑफ कहलाएंगे.
और वो बेंचमार्क नहीं हो सकता है, कट ऑफ जो है फिक्स्ड फिगर नहीं है, फ्लोटिंग फिगर है। हो सकता है इस साल ज्यादा एप्लीकेंट्स आ जाएं, इस साल हो सकता है नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएं, तो कट ऑफ कभी भी फिक्स नहीं रहते, वो उस साल का बेंचमार्क हो सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि इस साल भी सेम मार्क्स यदि आपके आ गए तो ये गारंटी है कि आपको भी यही कॉलेज मिल जाएगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी और कोटा है वो केवल इस बात पे डिसाइड नहीं करती, इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे सबसे पहला फैक्टर ये काम करता है कि उस साल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, दूसरा फैक्टर उस साल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, तीसरा फैक्टर उस साल जो नीट का एग्जाम था उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इस साल नीट का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई था, और हाई डिफिकल्टी लेवल होने के कारण बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी में और बायोलॉजी के पेपर में उन्होंने मैक्सिमम समय लगा दिया, और उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करने के लिए जो समय की जरूरत थी उतना समय वो बचा नहीं पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो फिजिक्स तक पहुंच ही नहीं पाए। फिजिक्स बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके कैंडिडेचर को एमबीबीएस के लिए डिसाइड करने में, तो फिजिक्स तक वो पहुंच ही नहीं पाए। तो ये सारी फैक्टर्स भी हमको ध्यान में रखने हैं कि कोटास कैसे डिसाइड होते हैं और कैसे आपका जो स्कोर है वो ऊपर है तो क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं और नीचे है तो क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि इस साल बच्चे फिजिक्स में एंटर ही नहीं कर पाए और केमिस्ट्री का पोर्शन है पूरा सॉल्व ही नहीं कर पाए, दैट मीन्स डिफिकल्टी लेवल हाई था। अब डिफिकल्टी लेवल हाई था तो इसका मतलब यह है कि कट ऑफ नीचे जा सकते हैं, और ये बात फैक्ट है, इस साल कट ऑफ नीचे जाने की पूरी संभावना है। तो यदि आपके स्कोर्स इसके जो मैं आपको स्कोर्स आपको बताने वाला हूं इसके आसपास में है तो आप काउंसलिंग प्रोसेस का हिस्सा जरूर बनिए। चलिए अब जैसे कि मैं कह रहा था सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। आइए मध्य प्रदेश के सीट्स मैट्रिक्स को भी हम एक बार पहले क्लोजली समझें। मध्य प्रदेश का जो सीट मैट्रिक इस तरह से होगा, एमबीबीएस कोर्स के लिए इस साल थोड़ी सी सीटें बढ़ी हैं, 2055 सीट्स हैं गवर्नमेंट साइड में और 1600 सीट्स हैं प्राइवेट साइड में, दिस गिव अस द टोटल ऑफ 3655 सीट्स, 3655 सीट्स हैं अभी टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के एमबीबीएस के लिए। इसी तरह से बीडीएस की मैं बात करूं तो केवल 63 सीट्स हैं गवर्नमेंट साइड में और 1220 यानी 1220 सीट्स हैं प्राइवेट साइड के लिए। हम दोनों को मिला लें तो 1283 टोटल सीट्स हैं मध्य प्रदेश के अंदर। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, मैंने बहुत सारे जब सारे स्टेट्स के मैंने कोटास को कट ऑफ को और बाकी चीजों को जब मैं एनालाइज किया तो मैंने ये पाया कि मध्य प्रदेश के अंदर पॉपुलेशन को देखते हुए और क्षेत्रफल को देखते हुए नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स को देखते हुए वन ऑफ द लोएस्ट सबसे कम मेडिकल सीट्स इस राज्य के अंदर है और ये दुर्भाग्य की बात है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश के बच्चे जो हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए भी जरूर अप्लाई करें क्योंकि हो सकता है उनको यहाँ पे जो प्रतिभावान छात्रों को उतनी अच्छी सीट्स उपलब्ध ना हो तो हो सकता है वो बाहर की तरफ रुख जरूर करें और बाहर की काउंसलिंग प्रोसेस में हिस्सा जरूर लें। मैं टोटल सीट्स की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है मध्य प्रदेश में वो 14 है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस केवल 10 हैं। टोटल नंबर ऑफ डेंटल कॉलेजेस जो है वो 1 है और प्राइवेट डेंटल कॉलेज मध्य प्रदेश में 14 है। आपको अप्लाई करने के लिए देखिए वेबसाइट ऊपर नजर आ रही है https://dme.mponline.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको संपर्क करना पड़ेगा। इस वेबसाइट का होम पेज आप सेव करके रख लीजिए और इसको अभी आप लगातार इसके टच में बने रहिए ताकि आप जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होती है आप पहले दिन से अपना रजिस्ट्रेशन फाइल कर सकें। अब मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश के अंदर कोटास कैसे एप्लीकेबल होते हैं। तो कोटास एप्लीकेबल होंगे इस तरह से, देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10% सीट्स हैं, ओबीसी कैटेगरी में 14% सीट्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट में 20%, शेड्यूल्ड ट्राइब में 16%, पर्सन विद डिसेबिलिटी दिव्यांग 3%, वार्ड्स ऑफ मिलिट्री 3% और फ्रीडम फाइटर्स के लिए 3% सीट्स रिजर्व हैं। सो ये सीट मैट्रिक्स है एमपी गवर्नमेंट का कास्ट वाइज और डिफरेंट कोटास वाइज। अब मैं बात करता हूं एमपी की कट ऑफ के लिए।
तो मध्य प्रदेश के अंदर कट ऑफ कहां तक जा सकते हैं पिछले साल के मुकाबले, जैसे मैं बता रहा हूं कट ऑफ नीचे जाने की संभावना है। मैंने ये कट ऑफ जो है पिछले साल के जो स्कोर्स और पिछले कई वर्षों के स्कोर्स, नंबर ऑफ सीट्स और साथ साथ में क्या डिफिकल्टी लेवल था, इन सब बातों को एनालाइज करके प्रिडिक्ट किए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे कट ऑफ का जो जो प्रिडिक्शन है बहुत क्लोज रहता है, तो इसलिए आप इनको कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंडर्ड मान सकते हैं। ओपन कैटेगरी में कट ऑफ जो है 545 तक जा सकता है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 520, ओबीसी के लिए 510, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 445, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 390 और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 310 हो सकता है। 310 शायद इससे नीचे भी हो सकता है, ये मैंने एक रफ अनुमान लिया है। सो ये कट ऑफ है मध्य प्रदेश के अंदर। अब मैं बात करता हूं एक और खूबसूरत स्टेट की और उसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कट ऑफ, माझा महाराष्ट्र क्या हमको देने वाला है, आइए महाराष्ट्र का कट ऑफ देखें। महाराष्ट्र में जो सीट्स का रिजर्वेशन क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो कन्वर्ट्स टू बुद्धिज्म उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज में 13% कोटा है और प्राइवेट कॉलेज में 6.5% कोटा है। इसी तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 7% और प्राइवेट कॉलेज में 3.5%, विमुक्त जाति VJDTA 3% और प्राइवेट कॉलेज में 1.5% यानी जस्ट इसका आधा, नोमैडिक ट्राइब या NT1 2.5%, बाकी आधा 1.25% वहां पे, नोमैडिक ट्राइब NT2 के लिए 3.5% यानी 1.75% वहां पे, नोमैडिक ट्राइब NT3 के लिए 2% यानी 1% प्राइवेट साइड के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी के लिए 19% और 9.5% प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी 5% और ये जो कोटा है ये पैरेलल कोटा रहेगा, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 30% पैरेलल कोटा रहेगा और टोटल जो जो कोटा वाइज सीट्स हैं वो 50% ऑफ द ओवरऑल कोटास होंगी। अब मैं बात करता हूं कैसे आपको अप्लाई करना है। आपको इस वेबसाइट को देखिए, ऊपर नजर आएगा आपको http://www.dmer.org इस वेबसाइट से आपको संपर्क करना है और जैसे मैंने पहले ही बताया आपको ये लगातार इसको ओपन करके देखते रहना है। MBBS कोर्स के लिए महाराष्ट्र के अंदर 4825 सीट्स हैं और प्राइवेट साइड में 5070 टोटल देखिए 9895 सीट्स। कंपेयर कीजिए एमपी के साथ, जस्ट आधे हैं उसमें एमपी के पास में सीट्स। सो एमपी गवर्नमेंट प्लीज वेक अप। BDS 326 सीट्स गवर्नमेंट साइड में और 3200 सीट्स प्राइवेट साइड में, टोटल सीट्स जो है 3526 हैं। टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस किस तरह से हैं देखिए, गवर्नमेंट साइड में टोटल 29 कॉलेजेस हैं और प्राइवेट साइड में 44 कॉलेजेस हैं। BDS कॉलेजेस गवर्नमेंट साइड में 4 हैं और प्राइवेट साइड में 33 है। सो महाराष्ट्र के अंदर मेडिकल एजुकेशन का सिनेरियो काफी हेल्दी है, काफी अच्छा है। मैं बात करता हूं अब और दूसरे स्टेट्स के लिए। तो अब हम बात करने वाले हमारे अगले स्टेट छत्तीसगढ़ के बारे में। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। सो व्हाट इज गुड अबाउट छत्तीसगढ़, क्या कट ऑफ इस बार हो सकते हैं और छत्तीसगढ़ का MBBS और BDS का सीट मैट्रिक्स क्या होता है, आइए एक नजर में हम लोग देखें। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले हम बात करें MBBS सीट्स की, तो 965 सीट्स हैं MBBS की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 600 यानी 600 सीट्स हैं। टोटल मिला के छत्तीसगढ़ का सीट मैट्रिक्स होता है फॉर MBBS 1565 सीट्स हैं टोटल MBBS के लिए। इसी तरह से हम BDS की बात करें तो 100 सीट्स हैं गवर्नमेंट साइड में और 500 सीट्स हैं प्राइवेट साइड में। इफ वी टेक टोटल इट इज 600 इन ऑल फॉर डेंटल कॉलेजेस सीट्स। टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर 9 है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर 4 है। इसी तरह से गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज 1 है और प्राइवेट डेंटल कॉलेज छत्तीसगढ़ में 5 है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन के लिए। तो छत्तीसगढ़ में यदि आपको अप्लाई करना है इन डिफरेंट कोटाज एंड कैटेगरीज, तो ये वेबसाइट देखिए आपको ऊपर नजर आ रही है https://www.cgdme.in। तो इस साइट पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन कैसे दिया गया है, SC शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 12% रिजर्वेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 32% रिजर्वेशन, ओबीसी
अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर के लिए 14%, सोल्जर्स के लिए 3%, फ्रीडम फाइटर्स के लिए 3% और पर्सन विद डिसेबिलिटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 5% का रिजर्वेशन अलॉट किया गया है। तो ये देखिए छत्तीसगढ़ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। छत्तीसगढ़ में ओपन कैटेगरी या अनरिजर्व्ड सीट्स के लिए कट ऑफ जो है 535 तक जा सकता है। इसी तरह से ओबीसी सारे ओबीसी कैटेगरीज में ला लें तो 520 तक कट ऑफ जा सकता है। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 410 और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 370 कट ऑफ इस बार रहने की संभावना है। तो यदि आपके स्कोर्स इसके आसपास हैं तो आप छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग प्रोसेस में भाग जरूर लीजिए। और इसके साथ अब मैं बात करता हूं हमारे मारे राजस्थान की। सो हमारे राजस्थान में क्या कट ऑफ के सिनेरियो हो सकते हैं और क्या वहां पे पॉसिबल कट ऑफ जा सकता है। तो यदि अप्लाई करना है और इसके बारे में डिटेल में जानना है तो वेबसाइट देखिए ऊपर दिया हुआ है https://education.rajasthan.gov.in। और हम छत्तीसगढ़ के मेडिकल सीट्स के मैट्रिक्स की बात करें तो MBBS में 3030 सीट्स हैं और प्राइवेट साइड में 4300 सीट्स हैं। दैट गिव्स अस अ टोटल ऑफ 7330 सीट्स इन MBBS साइड फॉर राजस्थान। गवर्नमेंट साइड सीट काफी हेल्दी है राजस्थान में। इसी तरह से मैं BDS की बात करूं तो गवर्नमेंट साइड में केवल 80 सीट्स हैं मगर प्राइवेट साइड में 1240 सीट्स हैं। दैट गिव्स अस अ टोटल ऑफ 1320 सीट्स इन राजस्थान। अब मैं बात करूं गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीट मैट्रिक्स की तो टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस MBBS के लिए राजस्थान में है 16 और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं 10। टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस हैं 2 और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस 12 हैं। अब मैं बात करता हूं रिजर्वेशन क्राइटेरिया की या रिजर्वेशन कोटा की। तो राजस्थान में रिजर्वेशन कोटा कैसे डिसाइड होगा, तो ये कैटेगरीज है राजस्थान के लिए EWS या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10%, OBC के लिए 21%, ST कैटेगरी के लिए 12% और SC कैटेगरी के लिए 16% रिजर्वेशन है। इसी तरह से विडोज एंड वार्ड्स ऑफ डिफेंस एंड पैरामिलिट्री के लिए 1% और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 5% का रिजर्वेशन तय किया गया है। अब एक बात और समझ लेनी जरूरी है कि राजस्थान में जो सीट्स हैं वो ऐसे डिसाइड होंगी कि जो ST कैटेगरी है उन कैटेगरी का 45% जो कोटा है ST कैटेगरी के अंदर वो ट्राइबल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए रिजर्व्ड है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दिया गया है, 25% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, महिलाओं के लिए। सो दिस इज द रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉर राजस्थान। अब मैं बात करता हूं कि राजस्थान में यदि आपको डॉक्यूमेंट्स यदि यूज करने हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज होंगे। आपको चाहिए सीट अलॉटमेंट लेटर, इसके अलावा आपको चाहिए 10+2 मार्कशीट, आपको चाहिए डेट ऑफ बर्थ, 10th मार्कशीट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो आपकी डेट ऑफ बर्थ बताता हो, SSLC मार्कशीट, ऑल मार्कशीट्स ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th इफ पास्ड इन मोर देन वन अटेम्प्ट। आपने एक से ज्यादा अटेम्प्ट लगाए हैं तो हर अटेम्प्ट का आपके पास में एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है जिसका डिटेल उनको यहां पे चाहिए होगा। तो इसके साथ ही साथ आपको चाहिए होगा एक फोटो आईडी। यहां पे वही यूज करना है आपको जो आपने नीट कैंडिडेचर में अप्लाई करने के दौरान यूज किया था। और साथ ही साथ आप इसमें जो यदि फोटो आईडी के जो ऑप्शंस हैं वो हैं ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, वोटर आईडी, स्कूल आईडी, 12th एडमिट कार्ड, आप आधार कार्ड, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कैस्ट सर्टिफिकेट आपको यूज करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको रखना है अपने पास में और 4 पासपोर्ट साइज फोटोज आपको रखनी है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वही होनी चाहिए जो आपने नीट कैंडिडेचर के दौरान अप्लाई करने के दौरान आपने यूज की थी। आप इसके साथ से PWD सर्टिफिकेट यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखें। यदि आप डिफेंस कोटा से बिलोंग कर रहे हैं तो WDP सर्टिफिकेट इसको आप रेडी रखें। EWS सर्टिफिकेट यदि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको एक बॉन्ड या बैंक गारंटी भी चाहिए होगी तो आप इसको भी रेडी रखें। राजस्थान इनफैक्ट इकलौता ऐसा स्टेट है जो एक बैंक गारंटी या बॉन्ड लेता है कि यदि आप अपनी सीट क्विट कर देते हैं
तो आपके साथ में ये बॉन्ड जो है, ये बैंक गारंटी आपकी रिवोक कर ली जाएगी और आपको क्या बोलते हैं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खैर, हर एक स्टेट्स की अपनी पॉलिसी होती है, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ ऑल दैट। अब मैं बात करूं कट ऑफ्स के बारे में, तो राजस्थान स्टेट के जो कट ऑफ्स हैं वो किस तरह से होंगे, डिसाइड एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स क्या होंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जा सकता है ओपन या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 560 हो सकता है, 560 तक कट ऑफ जा सकता है। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस सभी तरह के ओबीसी के लिए 541 तक कट ऑफ जा सकता है। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 465 कट ऑफ जा सकता है। इसी तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 380 तक कट ऑफ जा सकता है। सो इफ यू हैव योर स्कोर्स जो इसके आसपास में हो तो आप काउंसलिंग प्रोसेस का हिस्सा जरूर बनिए। अब मैं बात करता हूं हमारे अगले स्टेट, हमारे गुजरात की। तो गुजरात स्टेट के क्या पॉसिबल कट ऑफ हो सकते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, आइए गुजरात स्टेट का एमबीबीएस का सीट मैट्रिक्स देखें, इसको समझें। सबसे पहले मैं यहां के क्राइटेरिया की बात करूं जिसमें आपको रिजर्वेशन मिलेगा, तो शेड्यूल्ड कास्ट यदि आप बिलोंग करते हैं तो 7% रिजर्वेशन है आपके लिए। शेड्यूल्ड ट्राइब में यदि आप बिलोंग करते हैं तो 15% रिजर्वेशन है। सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस SEBC के लिए 27% रिजर्वेशन, और यदि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो 3% रिजर्वेशन यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मैं बात करूं यहाँ के सीट मैट्रिक्स की, तो एमबीबीएस के लिए 3650 सीट्स हैं, और प्राइवेट की बात कर दो 2000 सीट्स, यहाँ पे 2000 सीट्स प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, क्या बोलते हैं एमबीबीएस के लिए। टोटल सीट्स की बात करूं तो 5650 सीट्स, बीडीएस में 500 सीट्स हैं और बीडीएस में प्राइवेट साइड में 1005 सीट्स हैं। टोटल बात करूं 1505 सीट्स गुजरात स्टेट के अंदर डेंटल कॉलेजेस में है। गुजरात कॉलेजेस में डेंटल कॉलेजेस की जो सीट्स हैं 500 सीट्स गवर्नमेंट साइड में, ये वन ऑफ द हाईएस्ट सीट्स हैं। मैं आपको बता सकता हूं इतनी सीट्स किसी भी राज्य में नहीं है, ये वन ऑफ द हाईएस्ट सीट्स गुजरात में डेंटल कॉलेजेस के लिए है। तो गुजरात में डेंटल और मेडिकल एजुकेशन का सिनेरियो काफी हेल्दी है। अप्लाई करने के लिए आपको देखिए स्क्रीन पे ऊपर आपको टॉप पे वेबसाइट नजर आ रही है, http://www.medadmgujarat.org। इस साइट पे आपको जाके अप्लाई करना है। मेक श्योर आप इस साइट को डायरेक्टली यूआरएल बॉक्स में टाइप करें, गूगल पे जाके सर्च करके ना डालें, जैसा कि मैं बार बार वार्निंग देता रहता हूँ। टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है 17 है, और टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस एमबीबीएस के लिए 13 है। टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस एज आई डिस्कस्ड अर्लियर 5 हैं, और टोटल नंबर ऑफ डेंटल कॉलेजेस जो है प्राइवेट साइड में वो 11 है। सो दिस इज द सीट मैट्रिक्स फॉर गुजरात। अब मैं बात करता हूं दैट थिंग दैट यू आर एंशियसली वेटिंग फॉर इज द गुजरात कट ऑफ, क्या सिनेरियो कट ऑफ का हो सकता है। सो दिस इज द पॉसिबल सिनेरियो फॉर एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, एससी कैटेगरी के लिए 445, एसटी कैटेगरी के लिए 412, एसईबीसी के लिए 520 और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए 570 सीट्स यहां पे रिजर्व हैं। इसके साथ मैं बात करता हूं कि यदि ये सब तो ठीक है हो गया, मेरा किसी कारण से एमबीबीएस स्कोर अच्छा नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट ऑप्शंस डू आई हैव इफ आई एम नॉट पोजेसिंग ए गुड नीट स्कोर, यदि नीट स्कोर अच्छा नहीं है तो मैं क्या करूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यदि ऐसा है तो आप रिपीट करें, आप एक साल का ड्रॉप ले सकते हैं, देयर इज ऑलवेज गुड फैक्टर्स। यदि आप दोबारा मेहनत करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, ये मत सोचिएगा कि नहीं मेरा साल खराब हो जाएगा, साल अब हो गया खराब नहीं होगा क्योंकि आप 12वीं पास कर चुके हैं, कोई साल खराब होने वाला सिनेरियो अब नहीं है। दूसरी खास बात, अब आपको वही पढ़ना है जो 2 साल आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आपके पास में सब विन विन सिचुएशन है। तीसरी बात, सिंगल पॉइंट एजेंडा है, आप सिर्फ दिल लगा के मेहनत करिए, और यदि हम अगले साल यदि हम कोविड जैसा बैड पीरियड नहीं देखते तो हम उम्मीद करते हैं कि नीट का एग्जाम अगले साल टाइम पे होगा। तो यदि नीट का एग्जाम अगले साल टाइम पे हो तो ले देके 7-8 महीनों की बात है, तो दोस्तों इतनी तो मेहनत आप कर ही सकते हैं। तो आई अश्योर यू यदि आप ढंग से मेहनत कर लेंगे, सिंगल पॉइंट फोकस्ड रहेंगे, सोशल मीडिया स्क्रीन टाइम मोबाइल्स इन सब से दूर रहेंगे तो आप निश्चिंत ही अचीव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि मैं बात करूं कि यदि मेरे को डॉक्टर बनना है और नीट स्कोर अच्छा नहीं है और मैंने ड्रॉप भी ले लिया है, अब मैं क्या करूं, तो पर्पस डॉक्टर बनना है, पर्पस नीट का स्कोर खड़ा करना नहीं है। तो हमेशा एक अच्छा आपके पास में और ऑप्शन है,
तो एमबीबीएस विदाउट अ गुड नीट स्कोर बट हाउ. तो रिमेंबर एमबीबीएस इज इंपॉर्टेंट, यू बिकमिंग अ डॉक्टर इज इंपॉर्टेंट, नॉट द नीट स्कोर. नीट स्कोर इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, नॉट फॉर द मेडिकल कॉलेजेस आउटसाइड इंडिया. तो क्या सिनेरियो हो सकता है? देखिए, ये कुछ पॉसिबल कंट्रीज हैं जिसके पास में लोग जाते हैं अपना एमबीबीएस का एजुकेशन लेने के लिए. ये कंट्रीज हैं रशिया, चाइना, यूक्रेन. यूक्रेन के हालात आप सब लोग जानते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव मार्केट विद रेड. मलेशिया, इंडोनेशिया, किर्गिस्तान. क्या प्रॉब्लम्स इन कंट्रीज में? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है लैंग्वेज, यहाँ पे बिल्कुल अलग है. कल्चर अलग है, फूड अलग है, एक्सपेंसेस अलग है, एक्सेप्टेंस ही नहीं है. और खास तौर पे अब इंडियन गवर्नमेंट ने एक जीआर जारी किया है, एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल ने एक जीआर जारी किया है, एक नोटिस जारी किया है कि इन कंट्रीज से यदि आप एमबीबीएस करते हैं तो ये मान्य नहीं होगा. क्योंकि यदि आपका एमबीबीएस इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से या इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो वो मान्य नहीं होगा. दूसरा, आपको इंडिया में आने के बाद एक एग्जाम निकालना होगा जिसका नाम है NEXT, यानी नेक्स्ट एग्जाम आपको निकालना होगा. तो ये दोनों चीजें आपके कैंडिडेचर को खराब कर सकती हैं. और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि आप यहां से कर भी लेते हैं लेकिन आपका जो एजुकेशन, आपका ग्रेजुएशन ये जो है 5.5 साल के बियॉन्ड और ज्यादा एक्सटेंडेड होता है तो भी आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे. इसलिए पैसा भी खराब हो सकता है, कैंडिडेचर भी खराब हो सकता है. अब यहां पे दूसरा सिनेरियो डिस्कस करें. यहां पे मैं जिस यूनिवर्सिटी को मैं प्रमोट करना चाह रहा था या जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करना चाह रहा था वो है कि यहां से आप एमबीबीएस 4.5 साल में कर सकते हैं. यहां पे लैंग्वेज जो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का है तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि आपकी जो एमबीबीएस है वो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से है. तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इस कंट्री के जो हॉस्टल्स हैं वहां पे सब इंडियन स्टूडेंट्स हैं. तो जस्ट लाइक ये एडवांटेज देखिए, 4.5 साल का एमबीबीएस से 5 साल का, 5.5 साल का नहीं, तो 1 साल आप फिर से बचा लेते हैं. दूसरी खास बात, यहां से जो कोर्स है वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, यानी यहां पे सॉरी इंग्लिश में कोर्स है एमबीबीएस का. यानी यहां पे जो कोर्स करने के बाद आपको वो जो प्रॉब्लम एनएमसी ने जो दी है उस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी. तीसरी खास बात, यहां से इस कॉलेज से आप एमबीबीएस करते हैं इसके बाद ये कॉलेज आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यूएस भेजता है, मिशिगन यूएस. यूएस में जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. और सबसे खास बात, आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए बैठने की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी. और आपको हाँ, इंडिया में आने के बाद 1 साल की रूरल मैंडेटरी यहाँ पे सर्विस देनी पड़ती है ग्रामीण एरिया में, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी. कुछ और एडवांटेज है, यूएस से पीजी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. तो ये एक एडवांटेज है. दूसरा एडवांटेज क्या है, आप इस चीज को समझें कि यदि आप वहां से एमबीबीएस करते हैं तो आपको बहुत ही हैंडसम पैकेजेस यूएस गवर्नमेंट ऑफर करती है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद. और ड्यूरिंग योर पीजी आपको बहुत ही हैंडसम डॉलर्स में आपको स्टाइपेंड ऑफर होते हैं. वो स्टाइपेंड और ये पैकेजेस की जो कॉस्ट है आपकी टोटल एमबीबीएस कॉस्ट को रिकवर करा देगी. और आपको यूएस में सेटल होने के लिए, सिटीजनशिप पाने के लिए, पीआर पाने के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट पाने का भी मौका देगी. इसके साथ साथ में एडवांटेज ये है कि इंडिया में आने के बाद आपको नेक्स्ट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है. तो सारी विन विन सिचुएशंस हैं. कैसे होगा ये सब, कैसे आप हम ये सब कर सकते हैं और कैसे आप अपनी कॉस्ट रिकवर कर पाएंगे, ये सब जानने के लिए आप ये देखिए स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है. आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप करें, इस नंबर पे मेरे को कॉल करें, मैं आपको इसके बारे में और डिटेल दूंगा. और हो सका तो इस यूनिवर्सिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो एडमिशन प्रोसेस के इंचार्ज हैं, उनसे मैं आपकी जूम मीटिंग करा के आपको इन चीजों को फैसिलिटेट करवा सकता हूं. लेकिन इसके लिए आपको मेरे को व्हाट्सएप या कॉल करना होगा. आप मुझे व्हाट्सएप, कॉल, SMS कुछ भी कर सकते हैं. तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को अब साइन ऑफ करता हूं. यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिएगा. आप जैसे और स्टूडेंट्स जो इस तरह के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है और वो अपने कट ऑफ जानने को बेताब हो सकते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा. और मेरी बातों को जो मैंने लास्ट में बताई जरूर गौर कीजिएगा. सो विद ऑल दैट आई एंड दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. चा टेक केयर.